अलौकिक है। ये पल, ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय। अभिवादन स्वीकार करते हुए। Indeed, the Prime Minister has always broken the barriers of security, which is actually a matter of concern for the security persons who are on duty here. But the Prime Minister has to acknowledge and celebrate the contributions of all the people who are assembled here, those who are watching, those who join him for this spectacle. The form of government chosen by the leaders of a nation is a critical determinant of the type of life. Jai Sri Swaminarayan. Mandiram Sanatanam. Aaj United Arab Emirat ki dharti ne manviya itihas ka ek naya स्वर्णिम अध्याय लिखा है। ये मंदिर पूरी दुनिया के लिए सांप्रदायिक सौहार्द और वैश्विक एकता का प्रतीक बनेगा। अगर सबसे बड़ा सहयोग किसी का है तो मेरे ब्रदर ही हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का है। प्रेसिडेंट ऑफ यूएई की पूरी गवर्नमेंट ने कितने बड़े दिल से करोड़ों भारतवासियों की इच्छा को पूरा किया है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल को जीत लिया। अबू धाबी का ये विशाल मंदिर केवल एक उपासना स्थली नहीं है, ये मानवता की सांझी विरासत का, शेयर्ड हेरिटेज का प्रतीक है। आने वाले समय में
यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। इससे यूएई आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी और पीपल टू पीपल कनेक्ट भी बढ़ेगा। अबू धाबी में बना ये भव्य मंदिर महत्वपूर्ण है। इस मंदिर ने हमारे प्राचीन रिश्तों में नई सांस्कृतिक ऊर्जा भर दी है। मेरे मित्र ब्रह्मविहारी स्वामी कह रहे थे कि मोदी जी तो सबसे बड़े पुजारी है। मैं जानता नहीं हूँ मैं मंदिरों की पुजारी की योग्यता रखता हूँ या नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं इस बात का गर्व अनुभव करता हूँ कि मैं माँ भारती का पुजारी हूँ। Yeah.
आरंभ करने की अनुमति चाहते हैं। देवियों और सज्जनों, आपके दिशा ज्ञान के लिए एक्सरसाइज भारत शक्ति में उपयोग में आने वाले कुछ जमीनी निशान को बीएमपी के ट्रेस ऑफ फायर और धमाके से दर्शाया जाएगा। रेंज की सुरक्षा, समय और दूरी की कमी को ध्यान रखते हुए इस युद्ध अभ्यास में की गई गतिविधियों को कम अनुपात पर दर्शा रहे हैं। अब आप अपना ध्यान बिल्कुल सामने ब्लैक स्क्रीन पर बने ऑरेंज एरो पर ले जाएं। नाम ऑरेंज एरो। ऑरेंज एरो के बाएं और दाहिने तरफ बढ़ते हुए दो ड्यून जो मध्य से बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं, नाम लेफ्ट फिंगर तथा राइट फिंगर। इनके सामने का इलाका दूर तक आज के एक्सरसाइज का टारगेट एरिया है। अपना ध्यान पूरा बाएं ले जाएं। स्काईलाइन पे एक छोटी टेकरी जिसके ऊपर काले स्क्रीन पे सफेद निशान है। अब अपना ध्यान आधा दाहिने ले जाएं। इसी प्रकार के सफेद निशान के साथ काला स्क्रीन खुली जमीन में लगा है। ये दोनों स्क्रीन आज की इस एक्सरसाइज की बाई और दाहिनी हद दर्शाते हैं। अपना ध्यान टारगेट एरिया में रखें। बाएं से दाहिने टारगेट्स इस प्रकार हैं। सबसे बाएं टारगेट ग्रुप एक, दुश्मन की मैकेनाइज्ड कंपनी। इसके दाहिने टारगेट ग्रुप दो, जिसके पीछे दुश्मन की आर्टिलरी गन पोजीशन और फ्यूल डिपो। आपके सामने और थोड़ा बाएं टारगेट ग्रुप तीन, दुश्मन का लीडिंग टैंक कॉलम। इसके आगे टारगेट ग्रुप चार, दुश्मन का कमांड और कंट्रोल सेंटर। इसके दाहिने टारगेट ग्रुप पांच, दुश्मन के रिजर्व टैंक्स। बिल्कुल सामने टारगेट ग्रुप छह, दुश्मन की गाड़ियां। इसके दाहिने टारगेट ग्रुप सात, डायरेक्ट फायरिंग टारगेट। येलो स्क्रीन टारगेट ग्रुप आठ, दुश्मन की पैदल सेना के दस्ते। ठीक सामने 100 मीटर एक बाएं से दाहिने जाता हुआ सैंड ड्यून, जिसके बाएं तरफ लाल झंडे और दाहिने तरफ कैमोफ्लाज नेट्स हैं, नाम ब्राउन रिज। यहां से 18 किलोमीटर दूर दुश्मन का कमांड और कंट्रोल हेडक्वार्टर। इसका इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रकार के ऑपरेशन में आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के दस्तों को सपोर्ट करने के लिए भारतीय वायु और नौसेना के फाइटर जहाज ऑपरेट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट्स लेजर गाइडेड बॉम्ब्स के द्वारा प्रिसिजन गोलाबारी के साथ दुश्मन के फ्यूल डंप्स, ब्रिजेस और कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को बर्बाद करते हैं। इन ऑपरेशन की कामयाबी के लिए स्पेशल फोर्सेस का इंसर्शन बेहद जरूरी होता है। देवियों और सज्जनों, आज के इस ऑपरेशन की शुरुआत हमारी तीनों सेनाओं के स्पेशल फोर्सेस के दुश्मन के इलाके में इंसर्शन से होगी, जिसके लिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH मार्क 3 ध्रुव का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देवियों और सज्जनों, अपना ध्यान सामने ले जाएं। यहां आपके दाहिनी ओर से हमारे ही भारत में निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव आ रहा है, जिसमें एक लाइट व्हीकल अंडर स्लंग मोड में दिख रही है। ठीक उसी के पीछे एक और ALH, जिसमें हमारे थल सेना के बहादुर पैरा कमांडोज, नौसेना के मैरीन कमांडोज मार्कोस और वायुसेना के गरुड़ को स्लिदरिंग के द्वारा दुश्मन के इलाके में इंसर्ट किया जा रहा है।
जब शत्रु पर आघात हो और अस्मिता की बात हो, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम शत्रु संहारेंगे, हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे। स्पेशल फोर्सेस द्वारा इंसर्शन का बेहतरीन प्रदर्शन, आसमान पर दिलेरी का हस्ताक्षर। यह स्पेशल फोर्सेस भारत में निर्मित मल्टीपर्पज बायनोकुलर थर्मल इमेजिंग वेपन साइट और मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट की मदद से दुश्मन के इलाके को स्कैन करते हैं और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज का इस्तेमाल करके ये इंफॉर्मेशन हायर हेडक्वार्टर को पास करते हैं। देवी और सज्जनों, आप अपना ध्यान ऑरेंज एरो की तरफ ले जाएं। स्क्रीन से थोड़ा बाईं ओर नीचे के इलाके को ध्यान से देखें। अब आप कभी भी किसी भी वक्त अंडरग्राउंड हाइड में छिपी लाइट स्ट्राइक व्हीकल को निकलते हुए देखेंगे। ये देखिए कैसे किस प्रकार सरप्राइज और सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए ये पैरा कमांडोज हाइट से निकलकर एलएसवी और ऑल टेरेन व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए मिशन को हासिल करने के लिए तेजी से हरकत कर रहे हैं। इसको आप अब अपने सामने देख सकते हैं। और अब स्पेशल फोर्सेस की जानकारी के आधार पर भारतीय वायुसेना के दो स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 कुछ ही पलों में बाएं से आते हुए अपनी बमबारी से दुश्मन के टैंक कॉलम्स को ध्वस्त करेंगे। इसे कोऑर्डिनेटेड एयर ऑपरेशंस भी कहा जाता है। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान बाएं रखें। उदीमान भारत की प्रतिभा और प्रतिबद्धता का प्रतीक तेजस नए भारत का नया लड़ाकू विमान, आत्मनिर्भरता की बुलंदियां छूता हिंदुस्तान। आप देखेंगे कुछ ही पलों में बाएं से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दुश्मन पर बमबारी के लिए आगे बढ़ता नजर आएगा। देवी और सज्जनों, बाएं से उड़ान भरते हुए एलसीए तेजस अपने प्रलयकारी प्रहार से दुश्मन पर बमबारी करते हुए कुछ ही पलों में आपके सामने से गुजरेगा। रेंज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये एयरक्राफ्ट केवल फ्लेयर्स के फायर द्वारा अपनी युद्ध क्षमता को दर्शा रहा है। अपना ध्यान बाएं ले जाएं। उन्नत एवियोनिक्स, एकीकृत डिजिटल प्रणाली, आधुनिक हथियार। युद्ध के समय सूचना एकत्रित करने के लिए हमारी सेना के पास इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रेकी के विभिन्न सिस्टम्स हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे ऊंचे लेवल पर सर्वेलेंस सैटेलाइट्स तथा मध्य लेवल पर रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट या आरपीए हेरॉन हैं। इसके अलावा लो लेवल पे 200 मीटर से लेकर 280 किलोमीटर तक की दूरी के विभिन्न सर्वेलेंस ड्रोन्स जैसे सर्वे ड्रोन और आदेश का हर गरीब मेरे परिवार है, जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार। जब पूरा देश ही एक परिवार होता है तब कहां कोई छोटा या बड़ा होता है। परिवार में तो अगर कोई कमजोर रह जाता है तो उसे ताकतवर बनाने में हर सदस्य जुट जाता है। ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एकजुट होकर चल रहा है। देखिए, जब देश ने गरीब परिवारों से भी उद्यमी बनाने की ठानी तो मुद्रा योजना का जन्म हुआ और इस क्रांति की भागीदार आधे से ज्यादा बेटियां बनी और वो भी पिछड़े वर्गों की। जब देश ने गरीब की थाली की चिंता की तो 80 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने मुफ्त अनाज मिलने लगा। जब देश ने गरीबी को हराने की ठानी तो 4 करोड़ से अधिक पक्के आवास और 12 करोड़ से अधिक शौचालय बना दिए, 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस कनेक्शन और 33 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड पहुंचा दिए और सिर्फ 9 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल कर दिखाया।
पहली बार देश ने केवल 10 साल में एससी और ओबीसी विद्यार्थियों को 47,500 करोड़ रुपए की विशाल छात्रवृत्ति दी। पहली बार देश की आंखों ने ट्रांसजेंडर्स की दुविधा देखी और उनके लिए अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया। जिनका कोई ठिकाना न था, भटकना ही जिनका जीवन था, ऐसे लोगों को भी नए भारत की नजरों ने ढूंढा और ऐसे विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए विकास कल्याण बोर्ड बनाया। 10 साल पहले अनुसूचित जाति के लिए जो विकास फंड 41,500 करोड़ रुपए के करीब होता था, वो आज 1,42,000 करोड़ को पार कर गया है। एक दशक पहले तक वंचित और पिछड़े वर्गों को सालाना 600 करोड़ तक के ही ऋण मिलते थे, जो कि आज 2 गुना यानी सालाना 1200 करोड़ रुपए से अधिक मिलता है। और इन फंड्स में से कई तो फूड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस्ड फील्ड्स में दिए गए हैं। मतलब कि पिछड़े वर्गों से आने वाले युवा आज नए भारत का उज्जवल कल लिख रहे हैं, लेकिन विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल पड़े हैं तो इतने से आराम कहां। अभी तो हमें टेक्नोलॉजी के जरिए और अधिक जरूरतमंदों तक पहुंचना है। तभी तो आज एक ऐसा पोर्टल बनकर तैयार है जिस पर जाकर देश के वंचित पिछड़े व्यक्ति रियायती दरों पर ऋण प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीएम सूरज पोर्टल, यानी सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। न बैंक के चक्कर काटना, न किसी के आगे हाथ फैलाना। इस पोर्टल पर जाकर उद्यमी 15 करोड़ रुपए तक के व्यापार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोर्टल पर स्टार्टअप उद्यमी, इनोवेटर्स, बिजनेस इंक्यूबेटर्स या अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स में काम करने वाले रिसर्चर्स और रिसर्च स्टूडेंट्स भी 30 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता पा सकते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पीएम सूरज पोर्टल का लोकार्पण हो रहा है। पोर्टल लॉन्च होते ही वंचित वर्ग के 1 लाख बहन भाइयों को केवल 3-9% की रियायती दरों पर 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के किसी भी मिशन का सबसे खास हिस्सा होती हैं महिलाएं। पीएम सूरज की भावना भी ज्यादातर महिला उद्यमियों को प्रेरित करने की है, जिससे पिछड़े वर्ग की बहनें गरीबी और निर्भरता के अभिशाप से मुक्त हो सकें, अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकें। आज के इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जी नमस्ते स्कीम के तहत सफाई मित्रों को आयुष्मान हेल्थ कार्ड्स एवं पीपीई किट भी वितरित कर रहे हैं। वंचितों को बढ़ने का साधन मिल जाता है, पिछड़ों को पहली कतार में आने का अवसर मिल जाता है। यही तो होता है जब पूरा देश एक परिवार बन जाता है। सबका साथ सबका विकास, ये नारा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में भारत आज जिस स्केल और स्पीड पर काम कर रहा है वो अभूतपूर्व है। इसकी शानदार मिसाल है हमारा अपना सेमीकंडक्टर फैब, जिसका सपना देश ने देखा था 1962 में, यानी 62 साल पहले। बीते 6 दशकों में कुछ कोशिशें हुईं, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी के कारण देश का ये सपना कभी साकार नहीं हो सका। वक्त ने करवट तब ली जब देश ने जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारी सौंपी विकसित भारत के निर्माण की। करोड़ों देशवासियों की आकांक्षाओं के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब एक धर्रे पर चल रहे देश का गियर बदला तो भारतीय सेमीकंडक्टर फैब का सपना साकार हो उठा। भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेकबॉक्स को टिक कर रहा है। भारत आज अपने टेक फ्यूचर को जिस स्पीड के साथ आकार दे रहा है उसका एक और उदाहरण है माइक्रोन। जून 2023 में जिसकी घोषणा होने के 90 दिन के भीतर ही गुजरात के सानंद में प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया था और अब इस साल दिसंबर तक पहली चिप का निर्माण होने की संभावना है।
अपने इन चारों मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ भारत ने चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 में अपनी अहम भागीदारी तो सुनिश्चित कर ही ली है, लेकिन साथ ही चिप मेकिंग के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर भी बनने जा रहा है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के पीछे भी हमारी यही भावना है। भारत की स्किल, भारत की कैपेसिटी, भारत की कैपेबिलिटी का पूरी दुनिया को लाभ हो, यही भारत की इच्छा है। आज तीन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को एक नई बुलंदी मिल रही है। सरकार इन प्रोजेक्ट्स को 50% की बड़ी आर्थिक